रहमान रहीम, जब तक हमारे अहमान नहीं बदलेंगे, साल के बदलने से कुछ नहीं होगा। न मैं गिरा न मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, न मैं गिरा न मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, मुझे गिराने में वो लोग कई बार गिरे। आपने अपना जिस्मानी एतमाद महराज को दे दिया है, जमहूरी अंदाज में महराज को आपने काउंसलर बनाया है प्यारा का। कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही है, लेकिन ये सच है। ये सच है। मैं आज आवाम के साथ हलफ लेने आया था, मस्जिद में ऐलान हुआ, हमारे वहां किसी साथी ने ऐलान किया कि जुमे के दिन जलसे होते हैं। मैं इमाम साहब को बता दूं कि महराज मलिक जब पहली बार कारा के अंदर आया था तो मैंने डेटली देखी थी कि 2021 की पहली तारीख कौन सी होगी। मैंने ऐलान किया था कि महराज डीडीसी के इलेक्शन में खड़ा है, महराज जीत जाए तब भी पहली तारीख का आएगा, महराज हार जाए पहली तारीख का आएगा। लेकिन मैं भूल मालूम नहीं हुआ, तारीख का दिन मैं इस साल का जुमे का होगा, और मैं खुशकिस्मत खुद को समझता हूँ कि पहली तारीख 2021 की जुमा का दिन है, ताकि मेरी और मैं इमाम साहब को बताना चाहूंगा। मैं माफना चाहता हूँ अगर ये बात उनको पता नहीं थी, तो बताना जरूरी है क्योंकि मुझे खुशी है। अगर आप मस्जिद में लोगों को हिदायत करते हैं, परहेजगारी करवाते हैं, चोर बाजारी से रोकते हैं, दिन की बात कहते हैं, तो यकीन मानो अगर जुमा की नमाज मस्जिद में हुई, इतनी भरी आवाज को मैं दिन की बात बताने वाला हूँ, इस बात का यकीन करना। आज महाराज मलिक अवाम के साथ हलफ लेने जा रहा है, और एक ऐसा हलफ जो जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार होगा, और जिसको आवाम को मानना पड़ेगा। जब मेरी आवाम वो हलफ उठाएगी, उस हलफ पर चलने की कोशिश करेगी, तो इंकलाब आएगा। वरना हमारे नमाजों से जन्नत नसीब नहीं होती है। वो नमाज वैसी हो, वो तौबा वैसा हो, वो सजदा वैसा हो, वो सजदा महाराज चाहता है, वही सजदा मेरा रब चाहता है हमसे। महाराज को हम सजदा कर रहे हैं, सुनो लोगों, वरना महाराज ने मौत के लिए फिक्र में बैठ सकता था, निभाने की कोशिश पूरी करूंगा, चाहे चांद भी लगे जिंदगी कुर्बान कर जाने को तैयार हूं। आज हलफ लेना चाहता हूं, 28 तारीख को मैंने हलफ लिया। आपने तुम्हारे लोग इसकी रुकावट क्यों बन रहे हैं, मैं जाकर बात करूंगा। इनको क्या लगता है ये मेरे गरीब आवाम को डराने का? और अगर बीजेपी के अच्छे लोग होंगे, अगर कांग्रेस के अच्छे लोग होंगे, तो गरीबों को लूटने का कानून यहाँ पर लागू नहीं करेंगे। अरे महराज कह रहा है गरीब को उसका हक दे दो, महराज को तब नहीं को काम करेंगे। दबाने की बात कर रहे हैं, मैं इस वक्त डीडीसी काउंसलर डीडीसी शायद ये बात भूल गई नहीं बोलो। कानून हमारे लिए है, मैं पूछना चाहता हूँ तहसीलदार कहाँ है? अगर लोगों ने वोट दिया है, महाराज से उम्मीद लगाए हैं, तो बताओ तहसीलदार क्यों नहीं है? उसका हिसाब महाराज करेगा। इसीलिए एसडीएम साहब से पूछना चाहता हूँ, इसी बॉर्डर से पूछना चाहता हूँ कि अगर लोगों ने मुझे वोट दिया तो क्या यह हम भाषणों के लिए दिए? ये मेरे मजे उठाएंगे, और मैं मजे के लिए कोई बात नहीं करता। मैं मजा किसी से नहीं करता, जिसको भी बात करता हूँ वो बात सच होती है। मेरी बात को मजाक में मत लेना, बोला लाइन ऑर्डर प्रॉब्लम होगी। मैं पूछूंगा डीडीसी की दो छो, अरे मुझे आवाम ने चुना,
जलसा करना है। अरे तहसीलदार बात सुन, 10-40 हजार 70 हजार तेरी तनख्वाह है, इतनी आवाम को तेरी जरूरत है महाराज की नहीं। महाराज को मैंने इसलिए बनाया है, महाराज को इसलिए वोट दिया है ताकि तहसीलदार तुम्हारे काम करे। और आज हलफ लेने जा रहा हूं, हलफ ले जाओ पकड़ना, अगर उस हलफ से थोड़ी सी भी कोताही की तो मैं मानूंगा ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं। हलफ ले लो, हमें पता चल जाएगा। और आज मैं हलफ लेने आया हूं इतनी बड़ी आवाम में, अगर हलफ लेना चाहोगे तो महाराज आगे हलफ को बढ़ाएगा। हाथ खड़े करो जो जो हलफ मेरे साथ लेना चाहता है। कुछ लोग मेरे साथ दोहराएंगे, कुछ लोग मेरे साथ दोहराना, चिंतक कागज नहीं पहुंच पाए वो मेरे साथ दोहराना, सबसे दोहराना, क्योंकि यह इंकलाब है। अगर इंकलाब देखना चाहते हो तो इसमें रहना पड़ेगा। पढ़ना नहीं है, मैं यहाँ से पढ़ूंगा, आपने भी दोहराना, क्योंकि 28 तारीख को मैंने हलफ लिया था, अकेले ने लिया था, लेकिन इस बार आप भी लेंगे। रहेगा नहीं चलेगा, भक्ति में सफाई करे, आप अपने घर की सफाई रखो, मैं ख्याल करूंगा। मैं जानता हूँ मेरा गरीब हराम नहीं खाता है, मगर कुंजन सुचन पैंसिल, तो वैसे हराम की कमाई हम घर लाना ही क्यों चाहते हैं, जो मिलता ही नहीं। सोच से मेरे पोषण मेरे तो क्यों हराम की तमन्ना करते हैं, आज के बाद हराम की कमाई को देखेंगे भी नहीं। देखो ये इंकलाब कहा था जिचुन के बुपेनाऊ पर नरेगा मुफ्ती, ये वो इंकलाब नहीं है। मैंने कहा है शायद तुमने ध्यान नहीं दिया था, 0% करप्शन होगी, 100% डेवलपमेंट होगी, वो कब मुमकिन है जब आप लोग मुझे साथ दोगे। तो कर्म शुरू, हलफ लेना शुरू करें। सारी है कुशल करके घर से आया, बाउजू होना जरूरी है, क्योंकि मस्जिद में अगर जाना जरूरी बाउजू है तो जरूरी है कि हलफ उठाना भी बाउजू जरूरी है। तो खुशकिस्मत इसलिए भी हूँ कि जुमा की ठीक नमाज के बाद हलफ दिया जा रहा है, और यू से बाबू है कि नहीं, और इसमें किसी को इनकार नहीं होना चाहिए। उसी दिन अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। उस पर हम लोग नहीं चले, उतर खुल जाए वतन का, जिस वक्त उसकी मौत हुई, जिस वक्त उसने दुनिया को छोड़ा, उससे पहले दिन पूरा आसमान काला पड़ा हुआ था, पूरा सूरज धुंधला हुआ था, शायद बहुत सारी आवाम ने देखा होगा मगर मैंने खुद देखा। चलना जरूरी है, रास्ते से भटक गए तो जन्म के आखिरी कोने में जाना पड़ेगा। हलफ कर वो शुरू, इतना बड़ा भी नहीं है कि जो हम निभा नहीं सकेंगे, लेकिन इतना छोटा भी नहीं है कि जिसको आप लेना ही नहीं चाहो, मगर हम अगर तब्दीली चाहते हो तो लेना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि आज हमारा वजूद है, ये दुकानें बनी है, इस घर में मेरा आ जाना है, मैं चला जाऊंगा दुनिया से तो नए लोग आएंगे, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी का हिसाब आज दिन का देना है। ये छिनका मोहन मेरे पास दुनिया मोहन मेरे पास, आज दिन का हिसाब मुझे लगेगा कि मैंने अपनी जिंदगी कहाँ लगाई, मैंने हक खाया या हलाल खाया, हराम खाया,
इसका जवाब कल कयामत के दिन हम लोगों को देना है। तो मेरा इश्क में इस दुनिया से भी बचाएगा और आखिरत वाली दुनिया से भी नजात दिलाना चाहता है। भाई क्या लगन सिर्फ ये दुनिया, अरे ये दुनिया महाराज की नहीं है, ये मैं दुनिया तुम्हारी भी नहीं है। हमारी आने वाली जिंदगी जहाँ है नफसी नफसी का आलम होगा। सर मुझे पता हुकूकुल इबाद चाक देशा हुकूकुल, लेकिन इंसान अपना हक नहीं छोड़ेगा। तब कैसे तुमने मान लिया कि यहाँ गरीबों को फंस कर वहां पर हम आराम की जिंदगी जिएंगे? ऐसी कौन ख्याल खबर छा के कितना छा, अगर यकीन होता तो ये गलतियां नहीं होती। तो हलफ करो शुरू में, चाहता हूं कि पूरी आवाम इसको दोहराए। अगर दोहराए खुदा की कसम करके कहता हूं, जो मस्जिद में हमारे इमाम साहब कहते हैं वही महाराज आपको भी कहलवाने वाला है। मगर मानो छो, अगर मानोगे तो मैं शुरू करूंगा। मैं करी शुरू जो मैं बोलूंगा वही आप बोलो। हम आवाम कहरा अल्लाह ताला को हाजिर व नाजिर रखकर चंद बातों का हलफ लेते हैं। रिश्वत किसी भी सूरत में नहीं देंगे। और बोलो जोर से बोलो, रिश्वत किसी भी सूरत में नहीं देंगे। जो भी स्कीम गवर्नमेंट की तरफ से आएगी उसे जमीनी सतह पर पूरा करेंगे। हर जिम्मेदार को उसके काम की जिम्मेदारी याद दिलाएंगे। चल नहीं रही पास भाषण, ये काम जब तक ना हम करें तो जन्नत के हकदार की उम्मीद मत करना। मैंने कहा दुनियावी काम भी हमारा और वो वाली दुनिया भी हमारी, दोनों चीजें। तो पूरे जोर से धर्म के इशू, पूरे जोर से हकदार के उसका पूरा हक, हकदार को उसका पूरा हक दिलाने में मिलजुल कर चतोजहद करेंगे। हराम न खाएंगे न खाने देंगे। जोर में शून्य छा मगर जबरदस्ती छिपरा। तो बोलो हराम न खाएंगे न खाने देंगे इंशाल्लाह। हर काम में मुस्तहिक को सामने लाएंगे। हर काम में मुस्तहिक को सामने लाएंगे। भाईचारा कायम रखने के लिए कोशा रहेंगे। ये जो हालात हर धर्म के लोग यही कहेंगे, हम जिस इस्लाम को मानते हैं, जिस ईमान को मानते हैं, मेरा धर्म भी महाराज को यही सिखाता है सबसे बड़ा इंसानियत का धर्म है। तो क्यों ना हम इंसानियत के धर्म पे चले। सुना अगर नहीं खाना है तो किसी को खाने भी नहीं देंगे, उसे भी जहन्नम की आग से बचाएंगे इंशाल्लाह। और ये हलफ जो महाराज ने लिया ये मजाक नहीं है। पर हो तो आपने आज ये हलफ लिया, महाराज ने 7 साल पहले लिया है। इसलिए मैं चीख चीख कर कह रहा था हम लोगों के साथ सुलभ हो रहा है। मैं जानता था मेरा गरीब जो है वो
एक मजलूम है उसे दबाया जाता है। आज आपकी आवाज में वो ताकत थी जहां आज इस स्टेज से हम अलग ले रहे हैं और आपको उम्मीदें मेराज पर है और मेराज को भरोसा अपने रब पर है। मैं सच्चाई के रास्ते पर निकला हूं और ऐसी तारीख लिखने वाला हूं जिसकी जरूरत हिंदुस्तान में है और जिसके सिपाही यहाँ की आवाम बनेगी। आने वाले 5 साल ऐसा इंकलाब लिखेंगे, ऐसी तारीख लिखेंगे, मगर उसके लिए मुझे सबका साथ चाहिए। मैं इसके संक्षेप कुछ लोग ये देख रहे होंगे कि महाराज को कब फंसाएं, कार्ड अपना हो, मगर ये ख्वाहिश रखने वाले खुद चल जाएंगे। अल्लाह की कसम, मैंने ऐसे लोगों को चलते हुए खुद देखा है। महाराज के साथ आवाम नहीं, मेरे साथ मेरा रब है। अगर किसी को लगता है वो झूठ बोल रहा है, खुदा की कसम करके कहता हूँ, मेरे गांव वालों को पूछना कि 1 महीने पहले तुम इसके साथ थे कि नहीं थे, और ये भी पूछना कि ये तुम्हारे घरों में आया था कि मुझे सपोर्ट करो। खुद मुझे, मैंने कहा मुझे मेरे अपने रब पर भरोसा है। मुझे वो दिन याद है जिस दिन मैं यहाँ पर गया था, जहाँ मेरा दोस्त रहता है, मैंने इसे कहा था, मैंने कहा 5-10 लोगों को जमा कर, तो उसमें मैं इशारा रहा है जिस दिन पारा जलता हुआ था, वहाँ आगे तक गया था नाई की दुकान पर, लोगों को इकट्ठा करके यहाँ पहुँचाया। मैंने कहा रुको, मैं यहाँ इन लोगों को भी बोलता हूँ। जब उनको रुकाया तो वहां से लेकर आया, इतने में वो लोग चले गए थे। 1 महीने पहले की बात है, 1.5 महीने पहले की बात है। कोई महाराज का अल्लाह ने इतनी इज्जत दी कि लोग तरसते हैं कि महाराज का भाई और अपनी बात रखे, ये सब मेरा रब का खेल है। और इसलिए महाराज के साथ टकराने की कोशिश मत करना, जिसने गलती कर ली मान लेना कि हमने अल्लाह के साथ टक्कर ले ली, क्योंकि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, आवाम के लिए छीना चाहता हूँ, लोगों को हक खिलाना चाहता हूँ, हराम से परहेज करवाना चाहता हूँ। ठीक है इंशाल्लाह। और जो जिम्मेदारी मैंने आपको दी वो आपका काम, और जो काम जो हाथ काट कर आपने महाराज को दिए, मैं उन लोगों को बता देना चाहूंगा कि बीबीसी का मतलब जान लें, महाराज की ताकत को जान लें। अगर उन्होंने कहीं गलती कर ली तो एक महाराज का हाथ उनके गरीबान पर नहीं पड़ेगा। ये मान के चल रहा, ये 30,000 अवाम के हाथ उस पर गिरेंगे। तो गलती भी मत करना, आओ मिलकर इस आरा कॉन्स्टिट्यूंसी को खूबसूरत बनाएंगे, डेवलपमेंट करेंगे, और जो छोटा काम है उनको उनसे उनका काम करवाएंगे। एक दिल की बात बोलूं, एक डिपार्टमेंट से मुझे खासी दिलचस्पी है। ये जो पुलिस के लोग होते हैं, ये 24/7 ड्यूटी करते हैं, आर्मी के लोग 24/7 तनख्वाह ये भी लेते हैं, करण जाना सच बोल रहे हो, ऐसा चौष्टवन छुट्टी पाओगे, चौष्टवन छुट्टी पाओगे, अगर ऐसा हंगाम गए पुलिस वाले को छुट्टी डालनी पड़ती है, मगर यू से मजिस्ट्रेट इन कानून लेकर, ये कानून के रखवाले दफ्तरों में नहीं होते तो चिट्ठियां भेज रहे हैं, ये टेंशन कानून से पुलिस, कानून से दुकानदारों के, कानून ड्राइवरों के लिए है, ये टेंशन कौकर कैसे बनाए से देश है, कुर्सी कैसे गाय से खोल फेरनबाजी है, पता ही वो लोग ड्यूटी 80,000 से तनखा मान से पेंटिंग से खबर तुम सब, इनको ये गलत फहमी है। तो महाराज किसी ने कल कहा, कल किसी ने कहा, अब ये तारीफ करने लगा, महाराज मलिक की बात नोट कर, नोट कर लो कि जब कोई अच्छा काम करे, अवाम के मफाद की बात करे या अवाम को फायदा दिलाए, तो महाराज
आज का दिन चौड़ा हो जाता है। खुदा की कसम करके कहता हूँ, अगर तुम बीजेपी में जैसे ना तुम करते हैं, उनकी भी तारीफ करता है महाराज, लेकिन गलती से अगर कोई बड़े से बड़ा ऑफिसर भी मेरे एक गरीब को भी लाचार में मजबूर करे, खुदा की कसम करके कहता हूँ उससे सौ गुना आगे बढ़ता हूँ। बोलो के अगर 3 जगह काम लगे तो 10 जगह 100 नफर काम कर रहे हैं। बात सुनो, आप पीछे बैठना, 10 नफर काम तोड़ती कर रहे हैं और 100 नफर नहीं कर रहे। कोई बात नहीं, इनका कोई बात नहीं, बहरहाल हलफ वफादारी होगी, मुझे पूरी उम्मीद है मेरी आवाम इस काम में मेरा साथ देगी। ठीक है, हलफ का ठीक, मैंने आपसे आपका विश्वास लिया है, मैं आपके विश्वास को यूं टूटने नहीं दूंगा, आपके जज्बात को यूं इस तरीके से खिलवाड़ नहीं करूंगा। मैं अपना दर्द समझता हूँ, आपके दर्द को अपना समझता हूँ, खुदा की कसम करके कहता हूँ आने वाले 5 साल मैं आपको ऐसा ही मिलूंगा। ठीक है इंशाल्लाह, याद करो एक नारा लगाएंगे, नारे का जवाब जोरदार देना, सारी हमें दफ्तर देगी, जहां पर भी देगी हम कहरा में चलते रहेंगे। ठीक है, आप जो भी काम आएंगे, मेरा कोई वर्कर नहीं आए, सब मान के चलो, सब डीडीसी काउंसिलर हो, मगर कब तक, जब तक सच्चाई की बात हो, जब जुलम की बात हो, आप आवाज उठा सकते हो, आप बात कर सकते हो, लेकिन कभी गलत काम के लिए महाराज आपको इजाजत किसी को नहीं देता है। गलत काम के लिए ना महाराज आपके साथ है ना आगे होगा। ठीक है इंशाल्लाह, सर नहीं चौथा सब पीडीसी है, जिन जिन लोगों ने वोट किए हैं, 14,000 लोगों ने जो वोट पास किए हैं, उसके अलावा 20,000 है, सर नहीं चौथा आपकी पावर, मेरी ताकत आप लोगों हक के लिए जान जरूरत पड़ती है, जो मन से चलते रहो करते रहो। ठीक है, मेरी तरफ से किसी को ममानत नहीं, मगर अच्छाई के लिए मफा दो, खड़े हो जाओ, देशों सारी जिम्मेदारी, किसी एक गरीब को अगर धकेला जा रहा हो तो सब रोको, उस जालिम को एक आदमी है। ठीक है, मगर बहरहाल हम अपनी बात खत्म करेंगे, जिन्होंने वोट नहीं दिया दिल खोल कर आना, लेकिन एक नियत लेकर आना कि सिर्फ अपना हक महाराज से मांगोगे, किसी गरीब को दबाने की इजाजत न महाराज देगा न कोई और देगा। तो पानन हक जिसको जो जो अपना हक है, महाराज उसके साथ बराबर खड़ा है। वोट एक अलग चीज है, वोट खत्म। ठीक है चला, सीएम से मेंबर जो कोर कमेटी है जो इस प्रोग्राम को चलाते हैं, गुजर तो चुने चुने शहरी विकासों तक के करो, मैं थोड़ा इनको बताता हूँ, हम ऑफिस का इंतजाम करते हैं, इस खोला ऑफिस कारा के अंदर खुलेगा, सब मुझे कहोगे मैं आपका अपना, मैं आपका भाई हूँ, मैं आपका बेटा हूँ, लोग कहते तो पीछे चले जाएगा, पीछे नहीं बोलेंगे, मैं भी आऊंगा, मैं तेरी ले रही है स्वागत। ठीक है, कुछ शेर इंशाल्लाह। ठीक है, वगैरह आक्रम जिसका डाल देखी मेरी शेरी का कैंपेन शुरुआत आज तक कंटिन्यू, जो जो दफ्तर में नहीं होगा अटेंडेंस लगाओ, जिस आदमी को कहीं जरूरत पड़ती है सुनो, पहुंच काम के वीडियो बनाओ, 10 बजे का टाइम है, महाराज को बता दो मैं टीडीसी हूँ, आपका चुना हुआ नुमाइंदा हूँ, नचिया काम करे, अगर आप दफ्तर में जाते हो 10 बजे वो हम मुलाजिम नहीं है, वीडियो बनाओ मुझे भेजो और बात भी रखो कि हम भला काम से आए थे, ये ऑफिसर यहाँ पर नहीं है, या तो उसकी छुट्टी होनी जरूरी है या तो उसकी बंदी होनी जरूरी है, 10 बजे के बाद हम किसी को यहाँ अलाउ नहीं करेंगे।
इनकी पेशार नहीं दिए वीडियो बनाना जरूरी वन करें फोन वीडियो बना लेना उस कुर्सी की वीडियो बना लेना और बोलना यहाँ फलाना ऑफिसर नहीं है ठीक है इंशाल्लाह और कार्रवाई महाराज करेगा बाकी और भी पुराने काम है ताकि करो मगर फिलहाल आगो हालत है मंजूर से ये हालत जो बातें हमने बोली उस पर अमल आप भी करना मत खिल कर जो महाराज ने कुछ नहीं किया जब तक मैं आपका साथ होगा तब तक महाराज अधूरा है ठीक है इंशाल्लाह खुदा अच्छा फोन सुन माना तो गिल मचुट गया गिल था ही ना मैं आपके काम आपके दफ्तरों में करना चाहता हूँ कांदब सोना आओ ना मैं लगा हूँ मैंने कहा है पहला प्रोजेक्ट मेरा उठेगा पानी का वो ब्रह्मन का है चाहे उन लोगों ने क्या दिया या नहीं दिया मैं उस चीज में और बिजली का भी मैंने कहा था पीआईडी में जिन जिन जगहों पर बिजली और पानी नहीं है वो हमारे अंदर है वो हमें फिलहाल पावर्स दे दी गई है तो छूटा नाव नाव लेकिन ये नाव 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 सुनाओ सुन बाकी उसमें रेजुलेशन डाल देना मेम्बर सरपंच करना जो मोहर इतना देना मेम्बर सरपंच करो काम मुंशन के करो उस काम ठीक है और हर कोई गलत नहीं है मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ मगर ये मिस मेथड शख्स मैं सुशास गलत क्योंकि मेरा गलत है ही नहीं मुझे एक गलती बता देना आपने फला जगह कोई गलती जिस टाइम मुझे लगेगा मैंने गलत किया फिर अगर वो इंसान मुझ पर बोलेगा तो मैं मानूंगा ठीक है इंशाल्लाह खुदा हाफिज फोन वोन अगर आए न तो लेके कोई जानकार नाश्ता का मैं पिछले 10 दिनों से ऐसे ही हूँ नुक से मासन जीवन होती हूँ ठीक है खुदा हाफिज जाए जरा हो